महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। उल्हासनगर शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे। कॅम्प नंबर 3 येथे रात्री 2:30 ते 3 सुमारास 24 सेक्शन रोड परिसरात 3 अज्ञात तरुणांनी रस्त्यावर उभे असलेल्या मोटारसायकल, कार, टेम्पो, ॲक्टिवा या गाड्यांची तोडफोड करून गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे व तोडफोड करून अज्ञात तरुणांनी तेथून पळ काढला। सदर घटना ही CCTV कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली आहे। गाड़ी पूरा सत्यानाश हो गया है, मेरे गाड़ी का भी सत्यानाश हो गया है। सवेरे काम पे जाने का देखा तो पूरा गाड़ी टूटा हुआ था और आजू बाजू में भी देखा तो पूरा गाड़ी का सत्यानाश किया है। लगभग मेरे ख्याल से 25-30 गाड़ियों का सत्यानाश किया है। सीसीटीवी में शायद उनकी शक्ल नहीं आई है और रात को पुलिस भी आई थी तो उन्होंने भी देखा भाई ऐसा था बात हुआ है करके तो सब लोग भाग गए। कितने बजे की बात है? लगभग 3:30-3:30 बजे की बात है। पूरा 2-व्हीलर 4-व्हीलर को सवेरे 3:30 से 4 बजे के दरमियान 3 अज्ञात लोगों ने 9 4-व्हीलर 1 रिक्शा और 4 2-व्हीलर की लोखंडी गज से तोड़फोड़ की है। उस बारे में हमने सब अधिकारियों ने जब पता चला तब वहां विजिट की, वहां से आरोपी का पता निकाला। पहले फिरे थे हम लोगों ने ढूंढा, फिर वहां जानकारी ऐसी मिली कि 12 तारीख को 2 छोटे बच्चों का स्कूल में झगड़ा हुआ था और उनके आपस में अनबन जो हुई थी उसके ऊपर से एक लड़के ने कुछ बाहर के लड़के लाया और उसमें से ये आज तोड़फोड़ किया था। हमने उसमें फिरैदी के कहने से गुनाह दाखिल किया है और आगे की कार्रवाई चालू है। उसमें से एक जो ऑर्गेनाइजर ये क्राइम किया था उसने उसको ताबे में लिया है, आगे हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसे सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।